नॉर्मली हाँ ॐ देवताभ्यो पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। बंधुओं, इस समय पितृ पक्ष चल रहा है। ये 16 दिनों का बहुत महत्व है क्योंकि इस समय चंद्रमा पर रहने वाले हमारे पितृगण बहुत पृथ्वी के करीब रहते हैं और वे बुलाने पर तुरंत जो है सो आ जाते हैं। अतः श्रद्धा के अनुसार उनका श्राद्ध हमको अवश्य ही करना चाहिए। आज हम जानते हैं श्राद्ध पक्ष क्या है। महाभारत में आपने कर्ण का नाम सुना होगा। कर्ण ने अपने जीवन में सोना ही सोना जो है सुदान किया। कभी किसी भी ब्राह्मण को या अन्य को किसी प्रकार का जो है सो कोई दान नहीं किया, मात्र सोना ही पूरे जीवन तक दान भी करते रहे क्योंकि उनके पास सोना ही था। जब वे समय पूर्ण होने पर धर्मराज की सभा में गए तब उनको जो है सो वहाँ पर सोने का ढेर जो है सो प्राप्त हुआ। उन्होंने जब खाने की इच्छा जागृत की तब उनको जो है सो खाने के लिए सोना दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसको खा करके जो है सो कैसे यहाँ पर जीवित रह सकूँगा। तब उनको जो है सो धर्मराज ने कहा कि आपने जो है सो अपने जीवन में कभी किसी ब्राह्मण को जो है सो भोजन तक नहीं कराया, अतः आपको यह सोना ही दिया जाएगा। पुनः उन्होंने प्रार्थना की और जो है सो अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं पुनः पृथ्वी लोक पर आऊं, मृत्यु लोक में जाऊं और अपने पितरों का जो है सो श्राद्ध कर सकूं। धर्मराज से आज्ञा जो है सो मांगी और वे वापस जो है सो पृथ्वी लोक पर आए और यहाँ आकर के उन्होंने जो है सो 16 दिनों तक अपने पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन श्राद्ध आदि विधि विधान से जो है सो किया। वे 16 दिन जो थे ये भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये 16 दिन जो होते हैं ये पितरों के होते हैं। यही जो है सो 16 दिन थे जिनमें कर्ण ने यहाँ आकर के अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध किया था। अतः तब से जो है सो श्राद्ध का ये प्रचलन हुआ। इन 16 श्राद्धों में जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक दान करता है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, वह अगले जन्म में जो है सो इसका नाना प्रकार से जो है सो सुख भोगता है। श्राद्ध क्या है? श्रद्धया पितरेण उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम्। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं और श्रद्धा से ही जो है सो श्राद्ध की उत्पत्ति हुई है। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो मनुष्य की जो श्रद्धा होती है वह श्राद्ध के यदि है तो उससे पितर जो है सो अवश्य ही संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करता है, श्राद्ध न कुरुते मोहात तस्य रक्त पिबंधिते, उसका जो है सो वे रक्त पीते हैं पितर। यहां तक शास्त्रों में बतलाया गया है। और एक विशेष बात जो है आम मनुष्य के जो है सो मन में रहती है कि ये 16 जो है श्राद्ध बस साल एक वर्ष में
ये 16 श्राद्ध ही है, ऐसा नहीं है। ये एक वर्ष के अंतर्गत जो है सो 96 अवसर ऐसे आते हैं श्राद्ध के, जो हम पितरों के निमित्त शास्त्र के अनुसार जो है सो श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें 16 दिन ये है, और जो है सो अमावस्याएं, हर अमावस्या को आप पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। युगादि की जो है सो प्रारंभ की तिथियां हैं, ऐसे जो है सो 96 अवसर, कई योग ऐसे हैं जिनमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसे जो है सो श्राद्ध मनुष्य को करते रहना चाहिए। अब श्राद्ध जो है सो क्यों करना चाहिए, इस विषय पर भी जो है सो जाने। मनुष्य जब यहां से जो है सो मृत्यु लोक से जब जाता है, तब जो है सो कर्मों के अनुसार उसको फल प्राप्त होता है, ये सब आप जानते हैं और पुराणों में ये विदित भी है। लेकिन कुछ मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा जैसे मृत्यु होती है, वैसी उसको जो है सो एक अंगुष्ठ मात्र का शरीर जो है सो धारण करना पड़ता है। ये आतिवाहिक जो है सो होता है, वह इस मनुष्य शरीर के जैसा नहीं होता है, वह अलग होता है। ये लेकर के जो है सो उस अंतिम समय में जो इच्छा होती है मनुष्य की, कुछ लोग जो है सो जो देव कर्म में रत रहते हैं, तो अंत समय में वही इच्छा उनकी होती है और वो देवयान से देवलोक को चले जाते हैं। कुछ मनुष्य मन में अंत समय में वासना लिए होते हैं, और वासना लिए होकर के और जब वे शरीर का त्याग करते हैं, तब जो है सो वे कहाँ जाते हैं, यमराज के यहाँ पर। और यमराज के यहाँ जाकर के उनको जो है सो कर्मानुसार दंड भोगना पड़ता है। ये जो है इसके पश्चात चीते कहाँ जाते हैं, पितृलोक में। पितृलोक का संबंध जो है सो कहाँ पर है, चंद्रमा से। और चंद्रलोक में वे हजारों वर्ष पर्यंत, कई युगों तक जो है सो वहां अपने कर्म का फल जो है सो भोगते रहते हैं। एक जो है सो मनुष्य, हर मनुष्य के ऊपर जो है सो तीन ऋण होते हैं। तीन ऋण कौन से, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये ऋण होते हैं, इन ऋणों को जो है सो मनुष्य को अपने कर्मों को करते हुए जो है सो इनसे जो है सो अलग होना चाहिए, इनका भार जो है सो मनुष्य को उतारना चाहिए। पितृ ऋण, ये तर्पण आदि श्राद्ध करके हम जो है सो उनका ऋण चुका सकते हैं। देव ऋण, देव आदि जो है सो कर्म करके, हवन यज्ञ आदि जो है सो अध्ययन स्वाध्याय करके पुराणों का, ये ऋण भी जो है सो हम उतार सकते हैं। और ऋषि ऋण जो है सो नाना प्रकार से वेदों का अध्ययन, तर्पण आदि उनका भी होता है। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, ये तीनों जो है सो करके हम उनका ऋण जो है सो उतार सकते हैं। और हर जो है सो पुत्र का यह कर्तव्य भी होता है। पुत्र कैसा हो कि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से जो है सो त्राण करता है, रक्षा करता है, उसको जो है सो पुत्र कहा गया है। तो पुत्र का कर्तव्य क्या है, उसका ऋण है, पिता के का ऋण है, उसको उतारना है। वह इसके पश्चात जो है सो श्राद्ध करे, उनके मरने के पश्चात, मृत्यु के पश्चात जो है सो उसको श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध इसको महालय कहा गया है, ये 16 दिनों में जो है सो महालय श्राद्ध व्यक्ति को करना चाहिए, उसका बहुत महत्व है। इसमें तीन पिता, पितामह, प्रपितामह, ये पिंड के भागी होते हैं, और इससे आगे जो है सो चार पीढ़ियां होती हैं, वे लेप भागी होते हैं। लेप भागी किसको कहते हैं, आपने जो है सो
ये पिंड रखा और पिंड के पश्चात कुशा के ऊपर उसको स्थापित किया जाता है। कुशा से जो है सो हाथों को जो है सो पोछना, उसका अंश जो है सो पिंड का उस कुशा के ऊपर जो लगता है उसके भी भागी होते हैं और इससे तृप्त होते हैं पितर। ऐसे पितरों का जो है सो हमको श्राद्ध हमेशा करना चाहिए। देखिए मनुष्य को जब संतान होती है तो इसमें 56 कलाओं से युक्त ये योगदान किसका रहता है? पिता, पितामह, प्रपितामह। इसमें जो है सो पुत्र का, पौत्र का, प्रपौत्र का, ये सब पिंड के भी भागी होते हैं और बीजी पुरुष का इसमें जो है सो 21% जो है सो भाग होता है। पितामह का पिता, दादा, परदादा, इनका तीनों का जो है सो अलग अलग भाग, इनका बहुत जो है सो योगदान होता है। 21, 15 और 10 कलाएं इनकी होती है। ये जब तक इनका आशीष हमको प्राप्त नहीं होता तब तक जो है सो मनुष्य के यहाँ संतानें उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए आप जाते हैं कहीं पर भी संतान नहीं हो रही है, ज्योतिषी भी आपको सलाह देते हैं कि आप जो है सो पितरों का पूजन करिए, नांदी मुख श्राद्ध करिए, नाना प्रकार के जो है सो उपाय बताते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर देखिए चंद्रलोक से जब इसका संबंध है तो चंद्रलोक से चंद्र की जो है सो कलाएं हमारे शरीर के हर मनुष्य के अंदर 84 कलाएं रस रूपी जो है सो ये भ्रमण करती रहती हैं और इन्हीं से ही जो है सो संतान की उत्पत्ति होती है। संतान की उत्पत्ति जब होती है तब इसके पश्चात जो प्रपितामह, पितामह और पिता जो चले गए, हमारे जो पितर हो गए, उनका जो है सो अंश यहाँ पर जो है सो इस चंद्र कला से जो है सो जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो संतान के रूप में यहाँ पर आता है और इससे ये कलाएं क्षीण होती जाती है। जैसे संतान होती है वैसी कलाएं क्षीण होती जाती है। अब क्षीण होती है तब इनकी जो है सो पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, जो पिंडदान देते हैं, जो पिंड दिया तो पिंड ये जाकर के उनको वापस जो है सो शक्ति प्रदान करता है। आप देखिए यदि आप 5 वर्ष 10 साल मत करिए जो है सो पितरों का पूजन मत करिए, तर्पण मत करिए, उनका श्राद्ध पिंड मत दीजिए, देखिए संतान जो है सो उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होगी। जो परिवार ऐसा नहीं करता है उसके यहाँ देख लीजिए आप, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। इसलिए मनुष्य को जो है सो पिंडदान और तर्पण, तर्पण क्या है, पितरों को जो है सो जल देना, ये जल से जो है सो तृप्त होते हैं। हमेशा जो है सो अपने परिवार की ओर आशा लगाए रहते हैं। अब इन 16 दिनों में इनका विशेष महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि जब सूर्य जो है सो कन्या और तुला राशि पर जाता है, जब वहां के जो है सो पितृलोक को वो जागृत करता है और जागृत करके एक एक कला जो है सो उसकी नित्य प्रति खुलती जाती है और हमारे पितर जो है सो यहाँ पृथ्वी पर आते हैं, उनको जो है सो सब ज्ञात रहता है, वायु रूप में रहते हैं वो, कि कौन से जो है सो स्थान पर हमको जाना है, कहाँ पर मृत्यु हुई है, कौन हमारे पुत्र है, पौत्र है, प्रपौत्र है, ये सब उनको जो है सो दृश्य होता है और वे आकर के द्वार के ऊपर प्रातः काल से संध्या काल तक इंतजार करते हैं कि हमारा पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र हमारे लिए कुछ भी जो है सो जल, पिंड आदि प्रदान करेगा। और यदि कोई व्यक्ति नहीं करता है इस बीच में तो जो है सो पितर नाराज होकर के चले जाते हैं और वे श्राद्ध न करने वाले का रक्त चूसते हैं।
इसलिए हर मनुष्य को श्राद्ध जो है सो अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध का समय जो है सो उत्तप बेला होती है, ये 11:30 से लगभग 12:30 के बीच में जो है सो विशेष श्रेष्ठ समय है। वैसे शास्त्रों में बतलाया है 2 बजे तक का समय भी है, लेकिन ये समय जो है बहुत श्रेष्ठ होता है। इसमें हमको पितरों को जो है सो अवश्य ही प्रसन्न करना चाहिए। एक बात जो है सो और आपको जानकारी मैं दे दूं, पितर जो है सर्वप्रथम जो है सो ब्रह्मा ने जो है सो जब सृष्टि की उस समय जो है सो 7 पितरों को उनने सृजन किया, 7 पितरों का सृजन किया। उन 7ों में जो है 4 पितर मूर्तिमान थे और 3 तेजह स्वरूप थे। अब इनको नियुक्त करके और इनको श्राद्ध आदि का तर्पण का जो है सो करके और उनको जो है सो तृप्त किया उन्होंने, और ये कार्य किसको, ब्राह्मणों को सौंप करके और वे उनके कार्य में संलग्न हो गए। अब ब्राह्मण उस समय जो भी देते पितरों को वे तृप्त नहीं होते, वे जो है सो इनका भाग स्वीकार नहीं करते थे ब्राह्मणों का। और जो है सो पितर नाराज होकर के किसके पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के जो है सो कहने लगे कि हमको जो है सो ब्राह्मणों द्वारा दिया भाग समय पर नहीं दिया जाता। नाना प्रकार की उनने चर्चाएं की। तब जो है सो क्या किया ब्रह्मा जी ने, एक उसी समय एक मानसी कन्या उत्पन्न की और उसका नाम जो है सो क्या रखा, स्वधा। स्वधा रखा और उसको इन पितरों के सुपुर्द कर दी कि आप इसको पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो ये पितरों की जो है सो कौन पत्नी हुई, स्वधा। इसलिए भगवान का जो है सो हम हवन करते हैं उसमें क्या करते हैं, स्वाहा। वो यज्ञ नारायण की जो है ये पत्नियां हैं। और जो है सो स्वधा कौन है, स्वधा जो है सो पितरों की। इसलिए स्वधा 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 हम जब भी पितरों का जो है सो कार्य करें उनको जो है सो अर्पण करने के लिए 3 बार इसका स्वधा 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 का उच्चारण करना चाहिए। इससे जो है सो वे पितर तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये पितरों की भी ब्राह्मणों की ये कौन है, अधिष्ठात्री देवी हुई है, अधिष्ठात्री देवी है पितरों की। इसलिए स्वधा करके और जो है सो उनको अर्पण करना चाहिए। शास्त्रों में बतलाया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में कि पितृणाम प्राण तुल्यात्वम द्विज जीवन रूपिणी श्राद्धा श्राद्धा अधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। कि पितरों की प्राण तुल्य कौन है, स्वधा है, और ब्राह्मणों की ये जीवन रूपिणी है, जीवन को चलाने वाली है स्वधा, और श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी इसको कहा गया है। और श्राद्ध दीनाम फलप्रदा, इनकी कृपा के बिना जो है सो श्राद्ध का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हर मनुष्य को इनका जो है सो पितरों के स्मरण के समय स्वधा देवी का भी स्मरण करना चाहिए। विशेषकर जो है सो इसी पुराण में इनका जो है सो श्राद्ध की ये त्रयोदशी तिथि जो आवेगी, त्रयोदशी तिथि के दिन इनका विशेष करके पूजन करना चाहिए। और पूजन करके इनको जो है सो प्रसन्न करना चाहिए। स्वधा देवी का जो है सो मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र से इनकी पूजा करके और स्वधा 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 कह करके श्राद्ध बलि और तर्पण का जो है सो फल मनुष्य को प्राप्त होता है। नर्मदे हर।